पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री की शव यात्रा निकाली, जिसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए श्री कृष्ण टॉकीज तिराहे पर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंकते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक विदेश मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक अशोभनीय टिप्पणी की और इससे समूचे देश में आक्रोश है। एक भिखारी देश, आतंकी देश पाकिस्तान, जिसको हमने जैसे कल 16 दिसंबर की तारीख है 1970 में हम लोगों ने नंदा सरेंडर करवाया थे और उसे पूरी तरह परास्त किया था, वो देश आज हमें आज दिखाने की कोशिश करता है, जिसका विदेश मंत्री खुद कटोरा लेने के भीड़ में हमने निकलता है। वो भारत देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी करता है, अशोभनीय है। और आज भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर और प्रत्येक जिला मंत्रालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा बिलावल भुट्टो का पतला धारण किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही बिलावल भुट्टो इस कार्यक्रम में अपना प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि समूचे भारत के अलावा यूनाइटेड नेशन में भी इसकी निंदा हो रही, क्योंकि एक विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है और हम आज उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल ये चप्पल पहनने वाले देश के नागरिक है और इनका जो रहते हैं ये उनको भुट्टो उनकी जो माता जी थी बेनजीर भुट्टो वो आरक्षण का शिकार हुई और एक आतंकी को आदि देश इसमें समाज इन बातें नहीं पाला गया और आखिर में अमेरिका ने जाकर के वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको मारा। वहां के आज 126 आतंकवादी अमेरिका की आतंकवादियों की सूची में लिस्टेड है और 26 आतंकवादी संगठन वहां आज की तारीख में काम कर रहे हैं और उन्हें सर मारना चाहिए कि इस प्रकार भारत देश को शांतिपूर्वक जीवन जीने को प्रेरणा देता है। उसके देश के प्रधानमंत्री को कसाई कहा और निश्चित रूप से निंदनीय है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रकाश राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।